आप विश्वस्त हो। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। होमवर्क स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिसलाइक का भी बटन है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक कीजिए। इट मीन्स मुझे पता तो चलेगा कि मैं वर्क कैसा कर रही हूँ। तो इट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं वर्क अच्छा कर रही हूँ या नहीं। तो वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में हम बच्चों को डिक्टेशन कराएंगे। डिक्टेशन हम उन्हीं वर्ड्स की कराएंगे ए से लेकर यू साउंड्स तक जो आप बच्चों को हम टॉट कर चुके हैं, जैसे कि बैट बोल सकती हैं, कैट बोल सकती हैं, रैट बोल सकती हैं। आप जो भी वर्ड्स बोलेंगी यहाँ पर बच्चे को राइट करना है। देन आफ्टर बच्चों को आपको देना है नेक्स्ट पेज पे लर्न एंड राइट वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू। वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू से 10 वर्ड्स बच्चों को यहाँ पे फिर से राइट करने हैं और उसे रिवीजन कराते रहते हैं हम लोग बच्चों को वॉवल साउंड्स, क्योंकि बच्चे ये फॉरगेट ना करें इसलिए हम लोग रिवीजन करा रहे हैं इसे। तो 10 वर्ड्स ए साउंड से, 10 वर्ड्स ई साउंड से, 10 वर्ड्स आई साउंड से, 10 वर्ड्स ओ साउंड से और 10 वर्ड्स यू साउंड से बच्चों को राइट करने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में भी हम बच्चों को आज मैंने डिक्टेशन दिया है, तो आज डिक्टेशन में आपको 2 और 3 वर्ण वाले अक्षरों को, शब्द को यहाँ पर बच्चों को देना है, जैसे घर, कमल। आपको सिर्फ बोलना है, बताना नहीं है कि बेटा घ और र घर राइट करो और कमल कमल राइट करो, इन दिस टाइप नहीं। आप सिर्फ शब्द को बोलेंगी और बच्चे यहाँ पर कॉपी में राइट करेंगे। तो आपको मिक्स बोलना है, 2 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले दोनों शब्दों को मिक्स करके आप बोल सकती हैं। घर बोलेंगी तो फिर कमल बोल दीजिए, देन आप भवन बोल दीजिए, हल बोल दीजिए, बहुत सारे वर्ड्स जो हम बच्चों को टॉट कर चुके हैं 2 और 3 वर्ण वाले वही आज हम बच्चों को डिक्टेशन में देंगे। डिक्टेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल में डिक्टेशंस बच्चों के आते हैं, टीचर्स बोलती हैं और बच्चों को राइट करना होता है, इसमें भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। देन आफ्टर बच्चों को आपको राइटिंग वर्क देना है। राइटिंग वर्क में आपको मैंने हमेशा बताया है कि राइटिंग वर्क आप जब भी कराएं अपनी राइटिंग पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे उसी चीज़ को कॉपी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर धर्म पर अटल रह इसे देख करके राइट करना है, फिर यह जन्म सफल कर इसे भी देख करके यहाँ पर बच्चे को राइट करना है। तो हिंदी का आज का होमवर्क ये होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में हम बैकवर्ड काउंटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। तो जो मैंने आपको बताया था कि 50 से लेकर 1 तक बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग आती है, एलकेजी के बच्चों को 50 से ले 1 तक हम बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बैकवर्ड काउंटिंग हम लोगों ने पहले 30 से 1 तक बच्चों को बहुत अच्छे इजी वे में एक्सप्लेन किया था। अब मेरी डॉटर तो बहुत इजी वे में बैकवर्ड काउंटिंग कर ले रही है। आप ये इजी तरह से बच्चों को अभी इसी तरह से दीजिए, धीरे धीरे हम ये नंबर भी हटाते जाएंगे और बच्चों को अपने आप बैकवर्ड काउंटिंग 50 से लेकर 1 तक राइट करना होगा। लेकिन अभी हम इजी वे में समझा रहे हैं बच्चा कि बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करना है, इसलिए एक्सप्लेन करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप इस दिस टाइप राइट कर लेंगे 50, 40, 30, 20, 10, देन आफ्टर बच्चों को यहाँ डाउन से राइट करना होगा, जैसे कि 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसी तरह से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो इन दिस टाइप आज आपको बच्चों को 50 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग देनी है। देन आफ्टर आप बच्चों को ग्रेटर लेस एंड इक्वल बताएंगी। तो ग्रेटर लेस इक्वल तो बहुत ईजी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत ईजी वे में ग्रेटर लेस एंड इक्वल दिया है। यहाँ मैंने बच्चों को फिर से रिपीट रिवीजन करने के लिए दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए, कि दोबारा बच्चे इसे प्रैक्टिस कराते रहते हैं हम लोग, इसलिए आज प्रैक्टिस के लिए बच्चों को ग्रेटर लेस एंड इक्वल दिया गया है। तो ग्रेटर लेस इक्वल को समझाने का बहुत ही आसान तरीका है कि क्रोकोडाइल का माउथ किधर ओपन होता है। क्रोकोडाइल का माउथ उधर ही ओपन होता है जहाँ पर ज़्यादा चीज़ हो, क्योंकि क्रोकोडाइल ज़्यादा ईट करता है। क्रोकोडाइल थोड़ा तो ईट करेगा नहीं, तो क्रोकोडाइल का माउथ उधर ही ओपन होगा जहाँ पर ज़्यादा चीज़ होगी। तो यहाँ पर 9 टॉफीज़ है, इन दिस टाइप आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर 9 टॉफीज़ है, यहाँ पर 7 टॉफीज़ है, तो क्रोकोडाइल किसको ईट करेगा, 9 टॉफीज़ को ईट करेगा या 7 टॉफीज़ को ईट करेगा? तो श्योर है कि क्रोकोडाइल ज़्यादा को ईट करेगा, मोर को। तो 9 टॉफीज़, तो क्रोकोडाइल का माउथ इधर होगा। तो जिधर भी ग्रेटर होगा उधर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा। इक्वल, जब नेम, जब टू नंबर सेम होते हैं, जैसे हियर भी 5 और हियर भी 5, तो टू नंबर सेम है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इक्वल का यूज़ करेंगे। तो इन दिस टाइप आज आप बच्चों को ग्रेटर लेस एंड इक्वल देंगे। 9 7 7 1 5 5 1 2 4 6
7 8 8 8 4 2 7 6 4 8 then 8 4 3 5 7 7 9 3 2 4 5 9 3 3 5 6 7 8 3 2 तो इन दिस टाइप आज बच्चों का आपका होमवर्क देना है आप लोगों को। अब ये डेली आप अगर डेट वाइज अपने बच्चों को डेली इन दिस टाइप होमवर्क कराते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है बच्चों को। एक बच्चों को फीलिंग आती है कि हाँ ये स्कूल का होमवर्क है, स्कूल में ऐसे ही दिया जाता है, डेली डेट डालकर हमारी मैम हमें होमवर्क देती हैं, क्लास वर्क कराती हैं और होमवर्क देती हैं और उस कॉपी को चेक करती हैं। तो जब भी आप बच्चों को कॉपी चेक करते हैं उस पर कोई भी चीज़ आप मेक कर सकते हैं, जैसे टॉफ़ी है, स्टार है। मैं भी अपनी डॉटर की कॉपी जब भी चेक करती हूँ तो उसमें मैं उसे टॉफ़ी और स्टार और चॉकलेट देती हूँ, जो भी उसे पसंद आती है वो चीज़ की पिक्चर मैं मेक कर देती हूँ, वो इस तरह से हैप्पी हो जाती है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।